अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, चन्नगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में बाबा नगर सड़क पर एक खातून लारी के जद में आकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपने नवासे के साथ ये खातून जा रही थी, तभी लॉरी की जद में आ गई। और यहाँ पर सड़कें भी सही नहीं हैं, और ये सवाल यहाँ के जिम्मेदारों को किया गया, उन्होंने भी माना, लेकिन गलती और जिम्मेदार जीएचएमसी टाउन प्लानिंग के ऊपर डाल दी। जबकि काउंसलर भी, कॉरपोरेटर भी, मौजूदा जो मुकामी लीडर है, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर सड़कें सही किए जाएं, क्योंकि आए दिन ये हादसे हो रहे हैं, और ये हादसों की सबसे बड़ी वजह सड़कें सही नहीं होना है। ज़रूरी है कि उधर उधर की बातें करने की बजाय तवज्जो दें सड़कें सही करने पर, तभी जाकर शायद ये हादसे नहीं होंगे और कई लोगों के घर नहीं उजड़ेंगे। तो तकीर रहमान की रिपोर्ट। आज ये खबर दी जा रही है कि गुलशन इकबाल कॉलोनी के रहने वाले फातिमा, मोहतरमा फातिमा, जो अपने बेटे नवाज़ के साथ गुलशन इकबाल कॉलोनी के टर्निंग से, यानी उनके दामाद के हमरा टू व्हीलर गाड़ी पर गुलशन इकबाल कॉलोनी की टर्निंग क्रॉस करके टुवर्ड बाबा नगर की रोड जा रहे थे, एक तेज़ रफ्तार लॉरी आई और उनको जो है एक्सीडेंट करके, गाड़ी के साथ मोहतरमा फातिमा को जो है कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी, तो मुकामी आवाम ने रोका और स्पॉट पर ही मोहतरमा फातिमा का जो है इंतकाल हो चुका था। बाद अज़ान जैसे ही इसकी इत्तला हबीब मिल्लत आले जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मिली, उन्होंने फौरन मजलिस के तमाम चंद्रानगुट्टी के कॉरपोरेटर्स को, फहद बिन अब्दाद, अब्दुल वहाब साहब, अब्दुलरहमान साहब, अब्दुलरहमान शाह साहब, और हमको यहाँ पर मौके पर या स्पॉट पर जो है रवाना किया। हम यहाँ पर आकर, हुजूम काफ़ी जमा हो गया था, उस हुजूम को जो हटाते हुए पुलिस के हमरा मिलकर बॉडी को जो है उस्मानिया हॉस्पिटल को मुंतकिल किया, और हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने डीसीपी साउथ जोन चैतनिया साहब से भी इस एक्सीडेंट के ताल्लुक से जो है बात की और ज़ोर दिया कि जल्द अज जल्द जो है पंचनामा करके, पोस्टमार्टम करके बॉडी जो है ओरसा के हवाले की जाए। उस काम के लिए हम तमाम को जो है यहाँ पर जो है रखा, और पुलिस भी हमारे हमरा बॉडी को जो है उस्मानिया हॉस्पिटल के पास मुंतकिल कर चुकी है, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम बॉडी जो है वर्षा के हवाले की जाएगी। आए दिन देखा जा रहा है कि ये रोड पे जो काफ़ी एक्सीडेंट, देखिए आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, कुछ हद तक जो है इसमें जो है मैं ये कहूँगा कि महकमे पुलिस में बिलखसूस ट्रैफिक पुलिस और महकमे बलदिया के जो टाउन प्लानिंग सेक्शन है, वो लोग की भी जो है इसके अंदर किस कदर जो है लापरवाही है कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक का जो है प्रॉब्लम जो आ रहा है, इंक्रोचमेंट थोड़े से जो है बारह इंक्रोचमेंट को यहाँ पर क्लियर करवाया जाता है नकीब हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से, बारह नुमाइंदगी की जाती है, फिर से जो है लोग जो है इंक्रोचमेंट थोड़ा कर कर जो है लोग रोड को जो है नैरो करते हैं। बहरहाल वो तो है, लेकिन आज का जो हादसा है
क्लियरली जो है यह हादसा लॉरी ड्राइवर की जो है लापरवाही का नतीजे में हुआ। काफ़ी तेज़ रफ्तार वो जो है लॉरी ड्राइवर जो गुज़र रहा इस रोड से, जबकि जो है आबादी वाली रोड है, उसको जो है उसकी जो है बड़ी लापरवाही है, उसकी वजह से उसकी लापरवाही की बिना पर आज यह हादसा रोनुमा हुआ। सर ड्राइवर को अरेस्ट किया? गाड़ी तो जो है जाए मौके पर ही पकड़ लिए हैं और ड्राइवर को भी इंशाल्लाह उसकी तलाश जारी है, जल्द से जल्द उसको भी जो है गिरफ्तारी अमल में आएगी। सर जैसा कि आए दिन ये रोड पे काफी हबीब मिल्लत ने क्लियर कट पर जो डीसीपी साउथ जोन चैतन्या साहब को जो है कहा है कि जो है इसको इंक्रोचमेंट को क्लियर किया जाता है, फिर जो है महीना डेढ़ महीने के बाद में इंक्रोचमेंट बढ़ जाता है। परमानेंटली जो है ना जो इंक्रोचर्स है उनके ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और इंशाल्लाह कल के बाद आपको जो नज़र आएगा। सर महामी आम करिए कि ड्राइवर जो है शराब की हालत में था, पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है।